वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप एवरीवन इज फाइन एंड फिट एट होम। टुडे आई एम हियर टू टेक क्लास फिफ्थ मैथ्स चैप्टर सिक्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसके टू मेथड से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज डिवीजन मेथड, सेकंड वन इज ट्री फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के को हम टू दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला हमारा है, फर्स्ट वन इज डिवीजन मेथड, सेकंड पार्ट में इसको डिवाइड करके बोला है ट्री फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक नंबर दे दिया फोर। ठीक है, फोर के मैं क्या हूं? प्राइम फैक्टराइजेशन करो। फोर का क्या करना है बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले यहां पर हम करते हैं डिवीजन मेथड से। ठीक है, डिवीजन मेथड में क्या होगा बच्चों? आप इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, अब देखो फोर किससे डिवाइड होता है? कौन से छोटे नंबर से डिवाइड होता है? स्मॉल से लार्जर की तरफ जाना है हमें। ठीक है, तो फोर आपको पता है बच्चों टू से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, क्योंकि टेबल में आता है ना फोर, कितने पे आता है? टू टू सा फोर। ठीक है, इस टाइप से आप डिवाइड करवाओगे फोर को, टू टू सा फोर। तो जो हमारा यहाँ पर बचता है क्वोशेंट में बचता है, ठीक है, वो हमको यहाँ पर लिखना होता है इस प्लेस पे। ठीक है, टू टू सा फोर, ये टू यहाँ पर लिख रखा है और ये वाला टू, ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है। ये हमारा डिवाइजर, डिवाइजर यहाँ पर हम डिवाइजर की वैल्यू लिखेंगे, यानी जिससे हम डिवाइड करवा रहे होंगे वो वैल्यू हमारी इस प्लेस पे होगी। ठीक है, और जो क्वोशेंट में बचेगा वो बच्चों इधर होगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर टू आ गया, किसकी टेबल में टू आता है बच्चों? टू टू से तो डिवाइड हो ही जाएगा एग्जैक्टली, टू वन जा टू। ठीक है, टू वन जा टू। ठीक है, अब बताओ फोर के फैक्टर क्या आए हैं बच्चों? टू मल्टीप्लाई टू, यही तो फैक्टर है फोर के, टू मल्टीप्लाई टू। ठीक है, तो ये था हमारा डिवीजन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड था ये? डिवीजन मेथड से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी फोर की। ठीक है, अब इधर हम करेंगे ट्री फैक्टराइजेशन मेथड से फोर की फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभी ट्री फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है बच्चों? देखो फोर लिख लिया, ओके, फोर को कितने पार्ट्स में हम ब्रेक कर सकते हैं बताओ? टू मल्टीप्लाई टू, आपको पता है फोर होता है इसमें ट्री बनता जाता है। ठीक है, जैसे ट्री होता है ना, ट्री उसकी ब्रांचेस होती है, फिर तो इसी टाइप से फोर है हमारा, इसको हमने ब्रेक कर दिया, क्या लिखा? टू मल्टीप्लाई टू। ठीक है, अब ये फोर क्या था बच्चों? हमारा कंपोजिट नंबर, हमने उसको प्राइम नंबर की फॉर्म पे ब्रेक कर दिया। और प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन ही यही होती है कि जिसमें प्राइम नंबर में ब्रेक हो जाता है फिर वो वही स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको आगे ब्रेक नहीं करेंगे, बस यही पर स्टॉप होगा। तो ये था हमारा ट्री फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने नाइन ले लिया, ठीक है, नाइन एक नंबर ले लिया, इधर हम फैक्टराइजेशन करेंगे बाय द डिवीजन मेथड। तो कैसे करवाई थी मैंने आपको अभी? नाइन देखो किसकी टेबल में आता है बच्चों? थ्री की में, थ्री थ्री जा नाइन। ठीक है, अब देखो थ्री किसके टेबल में आएगा बच्चों? थ्री की में, थ्री वन जा थ्री। ठीक है, तो नाइन यानी ये नाइन, इसके क्या फैक्टर निकल के आए बच्चों? ये फैक्टर होते हैं जो इस इधर होते हैं ना, ये हमारे फैक्टर होते हैं, इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दो, थ्री मल्टीप्लाई थ्री। ठीक है, तो नाइन को क्या लिखा हमने? थ्री मल्टीप्लाई थ्री। तो ये था हमारा डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन। इधर देखो, इधर हम
थ्री फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं कैसे होगा 9 का। तो यहाँ हमने 9 लिख दिया, ठीक है। 9 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं बच्चों, 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के 2 टाइप से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डिवीजन मेथड और सेकंड क्या है, ट्री फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। बच्चों देखिए अपनी मैथ्स की बुक में क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन बाय प्राइम नंबर्स, ठीक है। जो मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया था ना, तो हम वो उससे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में लिख रखा है राइट प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड कौन सा था आपका, फर्स्ट वाला, सेकंड तो ट्री फैक्टराइजेशन मेथड था, ठीक है। तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है बच्चों डिवीजन मेथड से, ठीक है। पार्ट ए देखिए इसका, 60 दे रखा है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, मेथड कौन सा आपका, डिवीजन मेथड, ठीक है। टेबल बना लीजिए लाइक दिस, 60 को इसमें राइट कर देंगे, ओके। अब 60 बच्चों ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो 60 को एग्जैक्टली डिवाइड करवा देता है, वो देखिए आप। तो किसी भी नंबर के अगर लास्ट में हमें 0, 2, 4, 6 और 8 मिलता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। कहां पर पढ़ा था, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में मैंने आपको पढ़ाया था। किसी भी नंबर के लास्ट की डिजिट अगर आपको, लास्ट की डिजिट अगर आपको 0, 2, 4, 6 और 8 में से कुछ भी मिलता है, इट मीन्स वो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, ठीक है। इन नंबर्स, इन में से कोई भी अगर आपको नंबर इसके लास्ट डिजिट में मिल जाता है, इट मीन्स वो नंबर पूरा 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, ठीक है। अगर हम 60 को बच्चों 2 से डिवाइड करवा के देखते हैं, देखो 2, 3 जा 6, ठीक है। 0 यहां पर ले लिया हमने नीचे, ठीक है, और यहां पर भी 0 आ गया, क्यों, क्योंकि डिवाइड नहीं हुआ ना, तो 0 हमने यहां पर लिख दिया। तो 2 की टेबल में कितने पे आया, 60, 30 पे, ठीक है। हमने कोशेंट लिखा बच्चों यहां पर, और डिवाइजर जो था वो यहां पर लिख दिया। डिवाइजर आप इधर लिखेंगे बच्चों, जब मैंने 60 को 2 से डिवाइड करवाया कितना आया क्वोशेंट में, 30, ठीक है। क्वोशेंट को यहाँ पर लिखना है आपको, और डिवाइजर को इस प्लेस पे लिखना है आगे, ठीक है। अब देखो आगे, अब 30 किससे डिवाइड होएगा, 30 किससे डिवाइड होगा बच्चों, ऐसा नंबर, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो 30 को एग्जैक्टली डिवाइड करवा दे, क्या है बच्चों वो, 2 है ना स्मॉलेस्ट। अब 5 से भी हो जाता है ऐसे तो, लेकिन बच्चों पहले हमें स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाना है, यानी हम सबसे पहले 2 को लेंगे, ठीक है। ऐसे तो 5 से भी 30 डिवाइड हो जाता है, देखो 5, 6 जा 30, ठीक है। लेकिन हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा है तो हम लार्जेस्ट की तरफ पहले नहीं जाएंगे, ठीक है, पहले हम स्मॉल से इसकी डिवाइड करवाएंगे। तो देखो 2, 1 जा 2, 3 में से 2 को माइनस किया कितना आया बच्चों, 1, ऊपर से लिया 0, 2, 5 जा 10, ठीक है। 10 में से 10 गया बच्चों क्रॉस, ठीक है। 15 क्या है यहाँ पर हमारा, क्वोशेंट, ठीक है। क्वोशेंट को हम इधर लिखेंगे, और डिवाइजर जिससे हमने डिवाइड की थी वो क्या है बच्चों, 2, 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे इस प्लेस, ठीक है। अब देखो बच्चों 15 को किससे डिवाइड करवाए हैं ऐसे नंबर से कि वो पूरा डिवाइड हो जाए, कौन सा नंबर है, 3, 3 के टेबल में आता है ना 15, 3, 5 जा 15, ठीक है। अब 5 किससे डिवाइड होगा बच्चों, 5, 1 जा 5, ठीक है। अब यहाँ पर 1 आ गया, 1 आने के बाद आप इसको स्टॉप कर देंगे, अब और आपको इसको फैक्टर करने की जरूरत है, 1 आने के बाद आप यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों 60 के हमारे पास क्या क्या फैक्टर आए हैं, ये फैक्टर आए हैं, क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है।
टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग डिवीजन मेथड। हमने डिवीजन मेथड का यूज करके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है 60 का, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 आर, ठीक है, 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे ये लिखते हैं, ठीक है, यहां से लिखते हैं। आगे देखो बच्चों, सी पार्ट देखिए इसका 180, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मैंने आपको डिविजिबिलिटी समझाई थी बच्चों, यहाँ पर डिविजिबिलिटी बहुत ज्यादा वर्क करेगी। डिविजिबिलिटी से हमें ये पता लग जाता है कि ये नंबर किससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी का एक रूल था 0, 2, 4, 6, 8, किसी भी नंबर के लास्ट में आता है, ठीक है, यानी एंड ऑफ डिजिट्स, तो वो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों 180 में 0 आपको मिल रहा है, इट मीन्स ये नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से इसको डिवाइड करवाएंगे हम 180 को, 2 9 जा 18, ठीक है, 0 लेफ्ट था यहां पर लिया, ठीक है, तो 0 यहां पर लिख दिया, डिवाइड नहीं हुआ तो 0 यहां पर आ गया, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन कितना है बच्चों 90, वो यहां पर लिखेंगे और डिवाइजर हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अभी भी 0 है इसके एंड में, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा। 90 को जब बच्चों हम 2 से डिवाइड करवाते हैं, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1, 2 5 जा 10, 10 में से 10 गया 0। क्वेश्चन कितना है बच्चों 45, एंड डिवाइजर कितना है बच्चों 2, वो यहाँ पर लिखा है। अब बच्चों कितना आ गया 45, ठीक है। अब 45 के तो बच्चों लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 में से आपको कुछ नहीं मिल रहा, इट मीन्स ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। तो ऐसा नंबर देखो जिस जो 45 को एग्जैक्टली डिवाइड करवा दे, और कैसा होना चाहिए बच्चों स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अब कोई तो यू कह देगा वरना मैम 45 तो 45 से भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन वो तो बच्चों बहुत ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, ठीक है। तो पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं, हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो 45 को जब हम बच्चों 3 से डिवाइड करवाते हैं तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1, ऊपर से लिया 5, 3 5 जा 15, 15 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया आया 0, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करवाया, 3 क्या है बच्चों डिवाइजर, डिवाइजर इस प्लेस पे, क्वोशंट हमारा इस प्लेस पे, ठीक है। अब आ गया यहाँ पर 15, अब 15 को किस से डिवाइड करवाए 3 से, ठीक है। 3 के टेबल में आता है ना 15, कितने पे आता है बताओ, अब डायरेक्ट बताओ 3 5 जा 15, ठीक है। अब 5 किसके टेबल में आएगा बच्चों, 5 को किससे डिवाइड करवाए 5 से, 5 1 जा 5, ठीक है। तो 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने कौन से मेथड से, यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया 180 का, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 180 आर क्या निकले हैं बच्चों 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन, ये लिख लो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। जो आपके इधर नंबर आते हैं ना जिससे डिवाइड करवाते हैं हम डिवाइजर, वो है ये नंबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करवा के देखोगे ना बच्चों तो वापिस आपका 180 ही आएगा, जैसे 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 और 36 5 जा 180, ठीक है। तो ये आपको करवाना नहीं है, ठीक है, हमने तो इसके फैक्टराइजेशन करी है ना, तो ये आपका आंसर आता है, ठीक है।
तो आज बच्चों हमने क्या सीखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन, कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से, ठीक है। इसके क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, और आगे का जो ट्री फैक्टराइजेशन मेथड था उससे प्राइम फैक्टराइजेशन करनी थी, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।